योग वेदांत समिति उल्लासनगर की तरफ से गोल मैदान में तुलसी पूजन दिवस बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से मनाया गया। इस तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर मां तुलसी की पूजा की गई, संत समागम हुआ और नृत्य नाटक भी प्रस्तुत किए गए। और जितने लोग खड़े थे सबने कुछ न कुछ, राजाओं ने, महारथों ने, सबने डाला, तो भी भगवान का पलड़ा झुका हुआ। जयराम जी की अंततः भगवान ने सत्य मामा को इशारा करा और कहा तुम भी कुछ डालो। तो सत्य मामा ने अपने दोनों हाथ के कंगन, गले में पहना हुआ हार और जो भी गहने थे वो भी तुला में डाल दिए, तो भी भगवान का पलड़ा ऊपर नहीं उठा। अंततः भगवान कहे कि अब क्या करें, कहा बुलाओ रुक्मणी को, उसको भी कहो कुछ डाले। रुक्मणी जी को कहा डालिए आप भी, सत्य मामा जी ने तो सब डाल दिया। रुक्मणी ने कहा क्यों, भगवान तुला के सम नहीं हो रहे हैं? कहा नहीं, भगवान का पलड़ा सदैव नीचे रहेगा। रुक्मणी जी गई आज 25 दिसंबर है, लोग बोलते हैं कि आज क्रिसमस डे है, लेकिन क्रिसमस डे हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है। संतों का ये देश है भारत, तो भारत के अंदर भारतीय संस्कृति का ही पालन होना चाहिए। तो 25 दिसंबर के दिन भारत के संत, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने आज के दिवस को तुलसी पूजन दिवस घोषित किया है। आज उल्लासनगर गोल मैदान में संत सम्मेलन है, हजारों की संख्या में दूर दूर से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर भव्य रूप से तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है। और इस प्रकार का तुलसी पूजन दिवस पूरे विश्व में संत श्री आसाराम जी आश्रम की तरफ से विभिन्न रूपों से मनाया जा रहा है। सभी शहरवासियों को तुलसी पूजन दिवस की खूब खूब बधाई हो।